एक दिन गंगा रे तीरे मिल गया दो बिछड़िया प्राणी, घड़ियों चादे मारो बोली तारा मतिरा। एक दिन गंगा रे तीरे मिल गया दो बिछड़िया प्राणी, अरे घड़ियों चादे मारो बोली तारा मतिराणी। सुनिएगा दोस्तों, सेंधी सी बोली सुनने संभलो सत्यवादी दानी, सेंधी सी बोली सुनने संभलो सत्यवादी दानी, पर अपनो धर्म निभाने कर जो वो आना कानी, झुक गया तो नैना कर सलाम रे, झुक गया तो नैना कर सलाम रे, जन्मारा भीड़ू रे गया हिबड़ाने दोनों था। सभी लोग एक बार दोनों हाथों को उठाकर, शायद पहली बार मैं अहमदाबाद की धरती पर इस भजन को गाऊंगा, एक सत्संगी भजन है और आपके यहाँ पर अहमदाबाद में मूलतः सत्संगी भजनों को सुनने का बड़ा प्रचलन है, तो एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सत्या सतमत छोड़ी जो सत्य छोड़ा पत जा, सत्यदी बांदी लक्ष्मी, सत्यदी बांदी लक्ष्मी बापीर मिले ना। तो राजा हरिश्चंद्र जब ब्राह्मण ने दान दियो तो उसमें ये कॉल था कि तो अपने परिवार, अपनी पत्नी और अपने बेटे को भी मोल मन चुकावेला। बोले गुरुजी वो कैसे? तो बोले अपने पत्नी और बेटे रो मोल कर, वो भी जो दाम मिले वो भी मुझे, तो खुद भी बिक जा, तेरा भी जो मोल मिले वो मुझे चाहिए। बड़ो पुराना भजन है, आप लोगों ने बहुत पहले सुना होगा। ओ जी धारा नगर वाले चौबीटी वो काशी नगर रे, आप लोग थोड़ा पीछे को बैठ जाओ ना भैया। चौबीटी वो राजा हरिश्चंद्र मांडी हाथ बाजार में तो सब चीजें बिकती है साहब, कभी बड़ो सुंदर लिखियो है। कोई तो बेचे गेहूं गे गिरावो, कोई तो बेचे गेहूं गे गिरावो, राजा बेचे है नैनो बाल लेवन वाला, राजा बेचे है नैनो बाल लेवन वाला। जितरी ब्राह्मण रो बेटो हरे बाल किए रो मोल देवन बाला, करे खरे बाल किए रो मोल देवन बाला।
कोई तो बेचे गेहूं अनाज, कोई चावल बेचे दावत कंपनी दा, कदे कदे खट्टो मारे बालों तरह ही भुगावे है। इस बार बहुत दिनों से आया नहीं है, परसों ले जाऊंगा। धन्यवाद प्रवीण जी के लिए। कोई तो बेचे गेहूं गेगरा, लेकिन राजा हरिश्चंद्र काशी नगर ने चौक में जाकर आवाज लगाते कि मेरे बेटे को बेचना है, कोई मूल्य चुकाओ। एक ब्राह्मण रो दीकरो आयो, ब्राह्मण बोले कि राजा आपरे बेटे रो मोल तो क्यों, लेकिन राजा ने मोल मांगा नहीं, बोले भगवान जब थाने धीरावे वो दे दो, क्योंकि मुझे तो सिर्फ ब्राह्मण का दान देना है, ये धर्म की बात है दोस्तों। और बेटो ले गयो, दूसरे नंबर पर अपनी रानी तारामती री बोली लगा रहा है धर्म के लिए, जो जो उन्होंने वचन दिया था उस वचन के लिए। और किस प्रकार बेचे तारा मतीनार लेवण वाला। भीड़ में से एक वेश्या बाहर आई, जितनी भी शादी बेटी आ गई वो, जितनी भी शादी बेटी आ गई वो, जितनी भी शादी बेटी आ गई वो, राजा पर थारी रानी रो मोल देवण वाला, थारी रानी रो मोल देवण वाला। अब बोली जो ऊंची लगाएगा उसको देना है। बड़े स्वभावे बड़े स्वभावे बड़े स्वभावे करते करते लास्ट में वेश्या के हाथ में बोली आ गई, पूरी नगरी स्तब्ध हो गई। कि राजा हरिश्चंद्र की पत्नी अब वेश्या के घर दिखेगी। लेकिन ये कौन था मित्रों की जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा ले जाएगा वही। और राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को वेश्या के हाथों बेच दिया। कारण क्या था? कारण ये था कि उन्होंने सपने में ब्राह्मण को वचन दिया था, हकीकत में भी नहीं दिया था। आजकल तो नोटरी करा के आदमी नट जाता है। अरे बोले बाप जी नोटरी उड़ी, बोले नोटरी थारे घरे राख, कोर्ट में मुकदमा देगा बाद में जीता बीटम। और उस समय सत्य ये कि उन्होंने मन में भी कोई यदि वचन दिया सपने में भी, उसको भी संपूर्ण करने के लिए अपने जीवन को खपाने वाले लोगों का ये हिंदू समाज है मित्रों। ये सत्य सनातन संस्कृति पूरे विश्व की सबसे ऊंची संस्कृति है। हम लोगों ने इसका गौरव होना चाहिए कि हम भारत के लोग हैं, और भारत के इस हिंदुआ संस्कृति में हम लोगों को भगवान ने जन्म दे के भेजा है, जहाँ पर राजा हरिश्चंद्र चंदन मलयागिरी जैसे लोग होते हैं। खुद को नंबर कोई तो बेचे महल माली रावो, कोई तो बेचे महल माली रावो, राजा हरिश्चंद्र बेटी बने जाए देवण वाला, हरिश्चंद्र बेटी बने जाए देवण वाला। अरे जी बैठे बिल्डर हैं, कदी मकान नो सौदो करे है, कदी बढ़ावे है। राजा हरिश्चंद्र स्वयं बिकने के लिए गए तो एक हरिजन ने ऊंची बोली लगाई। राजा का शरीर अच्छा था, मजबूत कद काठी थी। हरिजन के दिमाग में आया कि अपने शमशान घाट पर चांडाल नहीं है, और ये मजबूत आदमी है, मोटी लाश ने आगे पाछी करनी वे तो तीन चार मजदूर लागना पड़े, वो एक लो बंदो रेडी रहते अपने तो खरीद लो। जितनी हरिजन रो बेटो आवियो, 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 वो राजा कर थारी देह रो मोल देवण वाला, कर थारी देह रो मोल
से बनवा सावरियो घट मरे मयो घटमा सावरियो घट मरे मयो घटमा तन कठे तन कठे तन कडरे कडरे कट कटरे कडरे कट कटरे कटे तन कठरे भालवा जाऊं रे सावरियो घटमा तन कठरे भालवा जाऊं रे सावरियो घटमा। अब मैं आपको एक बहुत गंभीर विषय में ले जाना चाहता हूं। सौदा हो गया। बालक कहां गया बताओ? आप लोगों ने सुना है तो जल्दी से बताओ। अब मैं आपकी परीक्षा कर रहा हूं कि आपने कितना सुना है। राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहिताश्व को किसके बेचा? ब्राह्मण को। पत्नी को? वेश्या को। खुद हरिजन को। अब देखिए सत्य धर्म क्या होता है उसकी बड़ी पराकाष्ठ निवेदन में। कभी ऐसे मंच पर कभी मैंने ये शब्द नहीं गाए होंगे। आज मैं अहमदाबाद की धरती पर बड़े मन से हूं। मैंने आपसे निवेदन किया कि वेश्या चली गई, वेश्या के घर पे रानी तारामती चली गई, लेकिन वेश्या को भगवान ने सद्बुद्धि दी। उसको कहा कि तू मेरे घर का काम कर, तुझे कुछ भी हमारे कामकाज में हमारे विषय में आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं वचन करती हूं कि आपको कभी भी दुष्ट मार्ग पर नहीं ले जाऊंगी। राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट में लाशों को जलाने का काम करते, चांडाल का काम करते हैं। एक दिन शाम का वक्त था मित्रों, रानी तारामती पनघट पर पानी भरने के लिए गई। वेश्या ने कहा कि जल्दी से भर के आ जाना, मटियां खाली है। रानी तारामती घर पे गड़ोलियों ऊंचा कर पनघट पर पानी भर जैसे गड़ोलियों ने, और जैसे उस घड़े को ऊंचाने के लिए लगी तो वो घड़ो रानी सो ऊंचाई ना गयो, क्योंकि रानी ने कभी किया नहीं था, उसके आगे दास दासियां करती थी। दो तीन बार कोशिश की पर वो घड़ा हाथ में आया नहीं। और शाम का वक्त था, शमशान में अंतिम लाश जला के राजा हरिश्चंद्र उधर से निकल रहे थे। पूट में से जाता हुआ अपूटा उल्टी दिशा में जाते हुए रानी ने देखा कि इधर उधर कोई दिख जाए तो मैं किसी को सहयोग के लिए बोल दूं। राजा हरिश्चंद्र को उल्टे जाते हुए देखा, रानी तारामती ने पीछे से आवाज लगाई, बोले ए भाई। राजा हरिश्चंद्र ने उस आवाज को सुना, महसूस किया कि यह आवाज तारामती की है, लेकिन मेरा धर्म यह है कि मुझे पीछे मुड़कर देखना भी नहीं है। अब मैं दो पंक्तियां बिना रिदम की प्रस्तुत करूंगा, आप लोग बहुत गहनता से सुनना कि किस प्रकार से किसी चीज को दर्शाया जाता है गाकर। मैंने कहा एक दिन गंगा रे तीरे मिल गया दो बिछड़िया प्राणी, घड़ियों चादे मारो बोली तारा मतिरा। एक दिन गंगा रे तीरे मिल गया दो बिछड़िया प्राणी, अरे घड़ियों चादे मारो बोली तारा मतिराणी। सुनिएगा दोस्तों, सेंधी सी बोली सुनने संभलो सत्यवादी दानी, सेंधी सी बोली सुनने संभलो सत्यवादी दानी, पर अपनो धर्म निभाने कर जो वो आना कानी, झुक गया तो नैना कर सलाम रे, झुक गया तो नैना कर सलाम रे, जनमारा भीड़ू रे गया तो जनमारा भीड़ू रे गया हिबड़ाने दोनों था, झुक गया तो नेड़ा नेड़ा झुक गया तो नेड़ा कर सलाम रे, जनमारा भीड़ू रे गया हिबड़ाने दोनों था। दोनों को पता चल चुका था कि हम दोनों वही है, लेकिन रानी को पता चला कि तो राजा है। रानी उल्टी घूम गई, राजा हरिश्चंद्र रुके ही नहीं, अपने रास्ते चल दिए। ये धर्म होता है मित्रों, बड़ी बात है। तो मैं सत्या सत्य मती छोड़ी जो वो
अरे सत्य छोड़ा पति जाय बिकने वाला बलि भक्त वत्सल भगवान की ये हुई धर्म की बात।